मार्बल सिटी में आंगनबाड़ी कार्मिकों का ऐतिहासिक सम्मान समारोह का आयोजन, खुद के लिए सम्मान हमारी नैतिकता का मार्गदर्शन करता है, दूसरों के लिए सम्मान हमारे शिष्टाचार का मार्गदर्शन करता है। कुछ इन्हीं पंक्तियों की सार्थकता के साथ मार्बल सिटी किशनगढ़ में सम्मान समारोह का हुआ भव्य आयोजन। विधायक सुरेश टाक के समर्पण भाव नेतृत्व में आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं का हुआ सम्मान। उपखंड की करीब 854 आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी, सहायिका, साथिन सहित महिला अधिकारियों का भी किया गया स्वागत सम्मान। प्रशस्ति पत्र, शोल व हनुमान चालीसा भेंट कर किया अभिवादन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान कर उनकी कर्तव्य निष्ठा का किया अभिवादन। विधायक सुरेश टाक ने कहा, आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता सामाजिक व्यवस्था की आधारशील, सम्मान की असली हकदार। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दिन रात सेवा भाव से देती है अपना समर्पण। इस मौके पर आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता ने कहा, नजर आते हैं हम सबको, मगर हर किसी ने किया हमें नजरअंदाज। विधायक सुरेश टाक ने आत्मभाव से सम्मान देकर बढ़ाया हमारा मान। मार्बल सिटी किशनगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ आंगनबाड़ी कार्मिकों का सम्मान समारोह। विधायक सुरेश टाक ने दिव्यांग आंगनबाड़ी महिला कार्मिकों को स्कूटी देने की भी की घोषणा। सम्मान पाकर आंगनबाड़ी महिला कार्मिकों ने कहा, विधायक टाक ने निभाया बड़े भाई का फर्ज, रक्षाबंधन का दिया सच्चा उपहार। इस मौके पर BCMO डॉक्टर सर्वज्ञ चतुर्वेदी, विनोद सैनी, CDPO पंकज यादव, जयप्रकाश खरडिया, आशा माथुर सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी मौजूद रही। आशा सहयोगिनी राम ज्ञान की, गीता साहू, कमलेश, ऐसे विधायक साहब हमारे साथ, मैं तो आज पहले शायद आए होंगे और मैं शायद आगे से आने की कोई हमें संभाल। हर इंसान को पोस्ट का प्राउड रहता है, हर इंसान को अपनी पोस्ट का प्राउड रहता है, लेकिन ऐसे विधायक साहब जो हमारे साथ बैठकर खाना खाना चाहने वाले और हमारी ऐसी गरीब बहनों को चुंदड़ी ओढ़ाकर इस रक्षाबंधन के अवसर पर हमारा सम्मान बढ़ाया और कृष्ण बीरा सांवरिया बीरा बढ़कर हमारा मान बढ़ाया, ये हमारे लिए सारी बहनों के लिए एक बात भरण वाला कृष्ण है। हमारे लिए धर्म का भैया सांवरिया बीरा है और हम सब बहने इनके साथ हैं, धन्य हो। और वो कहते हैं ना कि जैसे मैं एक गरीब महिला, कहाँ से सूरबा ऐसी देनी देन, जो खर्चे त्यों त्यों बड़े फिर भी नीचा नेण। अरे जो सज्जन इंसान होता है वो हमेशा नीचे नेण से, और सज्जनता से इंसान महान बनता है, गुणों से महान होता। ऐसे विधायक साहब हमारे साथ हमें, और हम चाहते हैं कि हमेशा के लिए हमारे यही विधायक बनते रहे। साहब साहब जिंदाबाद। पूरे 5 साल से इनको काम करते हुए देख रहा था, ये एक सहयोग की बात है कि जैसे ही मैं विधायक बना और कोरोना काल आ गया, कोरोना काल में जो कठिन ड्यूटी देने वाली महिलाएं थी, तो ये सब महिलाएं थी जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा उस इतनी बड़ी महामारी में। इनको अगर डर भी था तो, लेकिन ये राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रही, पर इनकी चिंता करने वाला कोई नहीं था। और इसके बाद सरकार की किसी भी तरह की योजना हो, चाहे वो निचले स्तर तक की हो, चाहे किसी भी स्तर की हो, अगर उस योजना को घर घर तक पहुंचाना है तो इनके अलावा उस काम को कोई नहीं कर सकता। लेकिन सरकार ने जब प्रशासन गाँवों के साथ अभियान चलाया, सबसे ज़्यादा ड्यूटी देने वाली महिलाएं ये थी। उसके बाद सरकार ने महंगाई राहत कैंप चलाया, सबसे अधिकतम काम करने वाली महिलाएं ये थी। अगर ये नहीं होती तो इतनी संख्या में राजस्थान में रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इतने लोग लाभान्वित नहीं होते, तो ऐसी महिलाओं का सम्मान बनता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे राजस्थान के सभी मेरे विधायकों से आग्रह करता हूँ कि इन बहनों का स्वागत करें, इनका सम्मान करें, इनका मनोबल बढ़ाएं और उनको एहसास कराएं कि आप इनके पीछे खड़े हैं, ताकि ये मन से काम करने लगे और एक जज्बे के साथ काम करने लगे। इनको काम तो करना है। और एक बात और कहना चाहूँगा, सबसे कम वेतनमान में काम करने वाली महिलाएं हैं और सबसे अधिक काम करने वाली महिलाएं हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा, सरकार से करूंगा, भारत सरकार से भी करूंगा, कि इनके वेतनमान को आप ठीक कराएं, सम्मानजनक कराएं, ताकि ये अपने परिवार को पाल सके, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर ये जाती है तो सारी जिम्मेदारी घर की इनके ऊपर है और इनका सबसे कम सैलरी वेतन होता है, तो इनका वेतनमान पर भी ध्यान दें। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इन सबको भगवान वो सारी खुशियाँ दे जो मैं सोचता हूँ और ये जो चाहते हैं। आज का ये कार्यक्रम मेरे जीवन का सबसे अनूठा कार्यक्रम है और मुझे बहुत सारे काम किए मेरे जीवन में, लेकिन आज ये काम करके मुझे बहुत खुशी हो रही है।